मैं ज्ञानेश्वर मैं ज्ञानेश्वर शंकर आगड़े अहमदनगर से हूँ। मैं मेरे बेटे को मेरे बेटे का नाम हर्षद ज्ञानेश्वर आगड़े है। मैं अहमदनगर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 95525-5105। तो 2022 में मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ था, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसमें पेट में गांठ है। तो हमने चेक किया तो वो कैंसर की निकली। तो कैंसर की जब निकली तो हम घबरा गए। हम डॉक्टर को लेके केमो लगाने पड़ेगा। तो हमें एटीएस के बारे में पता चला यहाँ का इनके। तो हम साहिब जी से मिलने आ गए 2022 में मार्च महीने में आ गए थे। 23 में एक साल हुआ पूरा अभी। एक साल हो गया। तो तब जब साहिब जी के पास आ गए तो साहिब जी ने हमें जो चार्ट बना के ऐसा चार्ट बनाया और इस चार्ट में जो जो प्रॉब्लम हुआ उस चार्ट में सब दिखाई दिया। का पे उसकी गांठ है, उसको क्या प्रॉब्लम है, साहिब ने सब बता दिया। और फिर उसको साहिब जी ने निशुल्क सामग्री दी। उसके कुछ पैसे भी नहीं लिए कि वो जो नंबर लगाने की कि वहाँ की सामग्री के साहिब जी ने पैसे नहीं लिए हमारे। और जब 3 महीने हुए सामग्री लेके, तो 3 महीने के बाद हमने फिर पेट स्कैन किया तो उसको 50% फर्क आया। और फिर 6 महीने में रीचेकिंग की हमने। 6 महीने के बाद फिर साहिब जी से हम मिलने आए हम। तो फिर उसके रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं ला गए, बायोप्सी के पन रिपोर्ट नहीं ला गए। और उसके बाद हम फिर 6 महीने के बाद आज एक फिर आज 25 नवंबर को पहले आए थे और अब 19 तारीख को फिर पेट स्कैन किया हमने। तो उसके भी रिपोर्ट नहीं लगे, सब नहीं लगे। और उसकी तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई और उसकी ऊंचाई भी 5-6 इंच बड़ी और वजन भी बड़ा और खाना पीना से पे टाइम पे करता है। तो वो सामग्री हमने जो उसने साहिब जी ने जो ये बताए मुझे उसके आप क्या बोलते कि टाइम टू टाइम लेते सुबह और शाम। एक ही दिन खाना नहीं हुआ 6 महीने के बाद। एक ही दिन खाना नहीं हुआ क्या हमारा सामग्री नहीं ली। और हम इस एटीएस के साहिब जी के इतने है, हम तो भगवान मानते हैं साहिब जी को कि हमने दर्शन लिया अभी साहिब जी से कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा। ये साहिब जी से मुलाकात के पहले आपने उन्होंने कहाँ कहाँ दिखा दिया था हर्षद को? हर्षद को बहुत हॉस्पिटल में दिखाया था, नगर हॉस्पिटल में दिखाया था, 2-3 हॉस्पिटल में। लेकिन हमने केमो भी लगवाई लेकिन उसकी ह्यूमिडिटी पावर कम हो जाती थी। लेकिन सामग्री चालू की ह्यूमिडिटी बढ़ा रही थी और बाकी पेशेंट के इतने रिपोर्ट अच्छे नहीं आते थे लेकिन हर्षद के रिपोर्ट पॉजिटिव हो गए। अच्छा, कौन कौन सा अस्पतालों का नाम बता रहे थे? हॉस्पिटल में गए थे, दिनानाथ में गए थे, ऐसे हॉस्पिटल। अभी हर्षद बढ़िया? हाँ बढ़िया।